विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर गोहाना पहुंची पहलवान अंशु मलिक का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर अंशु मलिक ने कहा कि उनको आज बहुत ज्यादा खुशी है कि उसने अपने देश के लिए मेडल जीता है और आगे वो और कोशिश करेगी और देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएगी। ओलंपिक में मिली हार को लेकर अंशु मलिक ने कहा कि अब वो चला गया, लेकिन अब अगले साल एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रही हैं, इसलिए अब वो उनकी तैयारी करेगी। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि देश के लिए मेडल जीता है और आगे और कोशिश करेंगे कि देश के लिए गोल्ड लेके आए। सोचनी है हमें तो अगले साल एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं तो उनकी तैयारी। किस तरह की तैयारी अभी है आगे, अभी का साथ मिल रहा है? अभी तो मतलब जो कोचिज हैं और वही प्लान बनाएंगे आगे का और उसी के हिसाब से। वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसके साथ मुकाबला था? मंगोलिया के साथ था, कजाकिस्तान, यूक्रेन और फाइनल में बैठी इसके मंगोलिया के प्लेयर के साथ था। मंगोलिया वाले बात पड़ेगे ना ना कर दोगे चीते की बात कर रखे कर रखे। अच्छा तो सिल्वर रहा, गोल्ड का कहीं ना कहीं ये था कि हाँ गोल्ड भी आ सकता था, क्या चूक रही? बस वही थोड़ी सी मेरे चोट लग रही थी तो उसकी थोड़ी सी कमी रही, यूरोप फाइनल में 100% नहीं दे पाई अपना और बस वही। हाँ जी मेरे तो काका ही है हमेशा प्यार करते हैं, हमेशा रहते हैं साथ। हाँ जी हमेशा से ही है, मैं तो जब छोटी सी थी तब से ही मेरे साथ में है और साथ में देखे मैंने तो, और बहुत अच्छा लगा है इतना प्यार।